नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। नौवा दिन है आज नवरात्र का भी, और साथ में आप देख सकते हैं ये पप्पू यादव का आवास है, जहां पर नौवे दिन भी जो है वो राहत कार्य के लिए तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया जा रहा है। चाहे आप बात करें पप्पू यादव की रसोई की, तो पिछले 9 दिन से ये रसोई जो है दिन में भी चालू रहा और रात में भी चालू रहा, और अभी भी काम जो है वो चालू है, और उनके कार्यकर्ता जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं इस काम को पूरा करने में। पप्पू यादव ने इस तरीके से बाढ़ में लोगों की मदद की है। देश भर में पप्पू यादव को लेकर के कहा जा रहा है कि इससे सराहनीय काम जो है वो कुछ नहीं हो सकता है। आप किचन की तरफ देखेंगे तो ये पप्पू यादव की तरफ से ये किचन बनाया गया है, और यहाँ पर भी लगातार जो है काम में जुटे हुए हैं लोग, और कार्यकर्ता भी, खासकर बात करें तो कार्यकर्ता भी पप्पू यादव के साथ जो है लोगों को राहत का सामान बांटने में जुटे हुए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब बिहार में बाढ़ आई उसके बाद से पप्पू यादव जो है वो सड़क पर ना हो। हर दिन पप्पू यादव जो है वो सड़क पर होते हैं, और पप्पू यादव जो है तमाम चीज़ों का निरीक्षण जो है वो खुद करते हैं। और आप अभी भी देख सकते हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ में उन्हें सहयोग भी कर रहे हैं, राशि दे रहे हैं उन्हें पप्पू यादव के हाथों को मजबूत करने के लिए। क्यों सोचा कि आप पप्पू यादव को सहयोग करना, राज्य सरकार को नहीं? राज्य सरकार बिल्कुल विफल है। एक दिन भी पटना राजधानी होते हुए सरकार या सरकार की कोई मंत्री, जब उप मुख्यमंत्री को रेस्क्यू करना पड़ता है तो आम आवाम गरीब जनता का क्या होगा। इसीलिए अब बिहार की एक माखड़ी उम्मीद, बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान के गरीब जनता और मजलूमों की आवाज़ जब जब ज़रूरत पड़ी है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो प्रिंट मीडिया के माध्यम से सांसद जी का काम दिखता आ रहा हूँ, और जबकि अब ये सांसद रहे भी नहीं, पूर्व भी हो के इनके तरह जज्बा को हम लोग सलाम करते हैं। नवरात्रा होने की वजह से हम लोग 5-6 लोग मुस्लिम लोग कटिहार से चल के आए हैं, ताकि इन साथी जो इनके साथ मदद कर रहे हैं नवरात्रा जैसे पावन दिन में। ये बताइए कि क्या लगता है कि राज्य सरकार की जगह पप्पू यादव को पैसा देना वो ज़्यादा सेवा हो सकता है? जी जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ एक देंगे ये 10 खर्च कर रहे हैं। हम लोग तो देख रहे हैं कहाँ 4 दिन, जो शुरुआत का 4 दिन था ऐसा तो कोई हाथ नहीं आया था, लेकिन उन्होंने अपना जहाँ तक हो रहा है कभी इन्होंने हाथ नहीं उठाया। अच्छा पप्पू यादव जी, राजनीति कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव अब चेहरा चमकाने की राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? चेहरा चमकाने की आप राजनीति कर रहे हैं बाढ़ राहत कार्य के नाम पर? उनको भूज का दिखा दीजिए। भूज में हमने जो स्पीकर ने लिखा था पप्पू यादव, सबसे ज्यादा बिहार से हम 3 ट्रेन खर्चे लेकर के गए थे। कुशाहा त्रासदी में 4 करोड़ का चेक दिया था मनमोहन सिंह को, वो भी नेट पर है, वो भी दिखा दीजिए। जिंदगी के हर पल, शेल्टर हाउस, मुजफ्फरपुर का चिमकी बुखार से लेकर के अभी 2 महीना पहले बाढ़ आई थी, 700 लोगों को इन लोगों ने मार दिया। जितना इन लोगों के खानदान ने लूटा होगा ना, जिसकी बात आप कर रहे हैं, उतना हम बांट दिए, जितना इनके पूरे खानदान का वजन होगा उनको बता दीजिए। राज्य सरकार की तरफ से मंत्री और कह रहे हैं कि अब सामान्य स्थिति हो गई है वहाँ पर, अब कोई जरूरत नहीं है राहत की। कहाँ के कंकड़बाग या फिर राजेंद्र नगर की बात करें, सुरेश शर्मा ने बयान दिया है कि स्थिति सामान्य है, फिर पप्पू यादव क्यों सड़क पर निकल रहे? क्या पप्पू यादव को अभी भी दिख रहा है कि सामान्य नहीं है स्थिति? ये पत्रकार को दिख नहीं रहा है, सभी अखबारों में 1 नंबर वार्ड राजेंद्र नगर, 2 नंबर 6B, 6 नंबर आप जाइए कमर से नीचे पानी, एक आदमी में कहीं पूजा नहीं हो रही। अब जाइए बाजार समिति, क्या स्थिति है, सन्नाटा है, लोग डर है, भय का वातावरण है। पुनपुन जल्ले इलाके में जाइए, सुरेश शर्मा को फुर्सत होगा औरतखोरी से और धंधा से, तब ना ये जाते हैं भगवान की पूजा करने विंध्याचल, अब वहाँ सब ने देखा ये औरत के साथ क्या कर रहा था। लाज शर्म नहीं होता इन लोगों को? तो इसी कमरे में बैठ करके ये बयानबाजी होती है सर, कमरे में बैठ के इन लोग तो गाली गलौज तक उतरा हुआ है। बीजेपी के बीच झगड़ा, बीजेपी जदयू के बीच झगड़ा, उनको क्या मतलब इंसानियत और मानवता से घूम रहे हैं मुख्यमंत्री जी।
कहाँ घूम रहे हो मुख्यमंत्री जी? भगवान वो तो दुर्गा मैं तो बंद करने की तैयारी में, इस बार नाभि पर तीर चला है। पप्पू यादव कब तक सेवा कर? हम अभी आप जाइए ना जल्ला पुलपुन, कल मैं जा रहा हूँ ना, जाइए कटिहार, जाइए खगड़िया, जाइए कुर्सेला के इलाका, भागलपुर, कब तक? कोई देखने वाला है? सब लगे हुए हैं पूजा में, रामलीला करेंगे, अपनी जनता को जो मार दिया वो रामलीला करेंगे। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ऐसे लोगों को समाज में बैठने की जगह नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा ऐसे लोगों का ही मन भरता है और ऐसे लोगों को यहाँ जाना भी नहीं चाहिए। अभी आप बताइए, सभी लोग कटिहार से चल के आए, मदद किए, यही कहते हैं, इसी को कहते हैं सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम। इस्लाम में इसी को तो बताया गया, सारे मुस्लिम भाई आ जाए कि नहीं, और दुबई और बाहर से जितने पैसे उसमें अधिक मुसलमान भाइयों ने कंट्रीब्यूशन किया कि बिल्कुल पप्पू जी आप पूरी मदद करिए। तो यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी पीड़ा हर लोगों के भीतर होती है, गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए। कोई हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं है, ये सियासत सत्ता और कुर्सी के खेल में हम लोगों ने चक्की की तरह पीस दिया इंसानियत को, मानवता को, यही तो है। ठीक है, तो ये पप्पू यादव थे जो आज लगातार भी लोगों के बीच जाएंगे और राहत की सामग्री जो है वो उपलब्ध कराएंगे। आपने, हमने आपको किचन दिखाया था और ये पप्पू यादव का आवास है जहाँ पर राहत कार्य के लिए तमाम कार्यकर्ता जो है वो उनके जुटे हुए हैं। और वही पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा, तेजस्वी यादव और अन्य नेताओं को लेकर कहा कि जितने लोग बयानबाजी कर रहे हैं वो अगर सड़क पर आकर के देखेंगे तो स्थिति उन्हें शायद समझ आएगी। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।